पढ़ें एकदम शांति से बैठ रहना, जब भी जो मन में क्वेश्चंस आए ना एकदम दबा के रखना, जैसे क्लास खत्म हो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ अब इसको ना डायग्राम कैसे बनाना है वो देखना, ऐसे ही डायग्राम आपको बनाना है, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, ये वाला पार्ट बना दो पहले ऐसे, फिर इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे, समझ गए? चलो देखो अब ये करें स्टार्ट, ठीक है। जो फीमेल का इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है वो ये है, फीमेल का इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन मतलब आंतरिक जनन अंग तीन भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला भाग होता है इसका ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं वेजाइना, क्या बोलते हैं? वेजाइना। दूसरा ये वाला पूरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं यूट्रस। ये यूट्रस पता कैसे होता है? नाशपाती जैसे, देखे हो कभी नाशपाती? देखो कभी नाशपाती कैसा रहता है, ऐसे ऐसे नाशपाती की फुन्नी को उल्टा कर दो, यू नो फुन्नी, ऐसे उसके बाल निकले होते हैं ना छोटे से, ऐसे बड़ा से एक डंडी टाइप की, उसको ऐसे उल्टा पकड़ लो, क्लियर मैच? ऊपर चौड़ा नीचे ऐसे, क्लियर? तो ये हो गया यूट्रस। जो ये वाला पार्ट है यहां से लेके यहां तक का पूरा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक देखो तीन पार्ट होते हैं, आपको नाम याद रखना भैया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला होता है वेजाइना, दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा होता है फैलोपियन ट्यूब, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर, गुड। अब यदि हम बात करें बेटा वेजाइना की, अपन स्टार्टिंग से नीचे से बात स्टार्ट करेंगे, तो वेजाइना को एक लेयर कवर करती है, इस लेयर को हम बोलते हैं हाइमेन। ये जो बीच में थोड़ी सी गैप बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइना होती है उसमें टोटल तीन लेयर होती हैं। तो जो बाहर की ये ब्लू कलर की लेयर है ये होती है एडवेंसिया, क्या होती है? एडवेंसिया। इसके आंतरिक अंदर एक लेयर होती है, इसके अंदर एक लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंदर वाली लेयर को एक लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स। और इसके अंदर एक और लेयर होती है, ये ऐसे एक और लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। तो जो फीमेल का वेजाइना होता है एक्चुअल में वहां पे तीन लेयर होती हैं। इसके बाहर तो लेबिया मेजर तो है ही, स्किन तो बाहर है ही, वेजाइना में तीन लेयर होती हैं, अंदर सबसे बाहर एडवेंसिया, अंदर स्मूथ मसल, उसके भी अंदर म्यूकोसा। और ये तीनों लेयर क्या बनाती हैं? वेजाइनल वॉल, मतलब कि वेजाइना की भित्ति, समझ गया बेटा? क्लियर।
अब आओ वेजाइना से जैसे ही अपन ऊपर जाएंगे तो एक ऐसा ये गैप होता है और एक ये गैप होता है, दो स्पेस होते हैं। इस वाले को हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओस, क्योंकि बाहर तो एक्सटर्नल, अंदर वाले को बोलेंगे इंटरनल ओस। इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस के बीच में ये जगह बची और इन दोनों के बीच में ऐसी यहां भी मसल्स होती है ऐसी, तो इस वाली जगह को हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो पेनिस जाता है इसी सर्विक्स वाले पार्ट में जाता है जहां पे सीमेन रिलीज करता है, तो सीमेन यहीं रिलीज होता है। क्लियर हुआ? और तुम लोगों ने सुना होगा सबसे ज्यादा जो कैंसर होते हैं वो सर्वाइकल कैंसर होते हैं, तो जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो कैंसर होता है ना वो सर्विक्स वाले पार्ट में होता है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ये वेजाइना का समझ में आया? नीचे वाला पूरा पार्ट क्या है? वेजाइना तीन लेयर होती है, एडवेंसिया, स्मूथ मसल्स, म्यूकोसा। वेजाइनल ओपनिंग को बोलेंगे वेजाइनल ओपनिंग, एक लेयर कवर करती है जिसको बोलते हैं हाइमेन। ये खत्म हुआ वेजाइना। अब वेजाइना के जस्ट ऊपर चले जाओ तो जे वाला पार्ट होता है यूट्रस। हेलो, बोलो ना। ये पूरा पार्ट क्या होता है? यूट्रस। और यूट्रस की लेयर भी तीन परतों की बनी होती है, एक तीन, बाहर वाली, अंदर वाली और अंदर वाली। बाहर वाली को बोलेंगे पेरीमेट्रियम, मेट्रियम। बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ऐसे तीन लेयर ये पूरे यूट्रस में। ये तीन लेयर होती है। क्लियर हुआ? तो यूट्रस में हो गई तीन लेयर। सेम ऐसे तीन लेयर फैलोपियन ट्यूब में भी होती हैं, ऐसे फैलोपियन ट्यूब में भी होती हैं। देखो तो फैलोपियन ट्यूब में एक ये दोनों साइड, फिर एक ये दोनों साइड, फिर एक ये दोनों साइड, तो तीन लेयर इधर की हो गई, तीन लेयर इधर की ये हो गई। समझ गए? क्लियर? तो ये हो गया हमारा यूट्रस का कहानी। जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है बॉडी, ये दोनों साइड वाला पार्ट होता है बॉडी और ये वाला पार्ट होता है फंडस, और यहीं पे बच्चा रुकता है। कभी बच्चा यहाँ अटैच हो जाता है, कभी बच्चा यहाँ अटैच हो जाता है, कभी बच्चा यहाँ अटैच हो जाता है, तो बच्चा यहीं अटैच होता है। और इसके अटैचमेंट, जब बच्चा अटैच होता है तो आपने नोटिस किया होगा। अच्छा, बच्चा सीधा कब होता है? बच्चा सीधा कब पैदा होता है? बच्चे का कौन सा पार्ट पहले बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा सीधा पैदा हुआ? जल्दी बताओ सर। सेकंड क्वेश्चन, बच्चा उल्टा पैदा कब होता है? बच्चे का कौन सा पार्ट पहले बाहर आता है तो हम बोलते हैं बच्चा उल्टा पैदा हुआ? पैर। कभी कभी बच्चा आड़ा हो जाता है। हेलो, अब यदि बच्चा आड़ा हो गया तो इतनी जगह ही नहीं वेजाइना में कि पूरा बाहर आए, वेजाइना से पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं। जब बच्चा आड़ा हो जाता है और बच्चे को ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं तो इस तरह की प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सीजेरियन प्रेगनेंसी। आगे कहानी सुनाएंगे, कैंची वाला जो नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? सीजेरियन प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? सीजेरियन प्रेगनेंसी। इस तरह से बच्चा माँ के पेट में तीन कंडीशंस में होता है, उल्टा, सीधा, आड़ा। उल्टा और सीधा में तो चलो ठीक है, कैसे भी करके निकल आएगा, लेकिन आड़ा होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा बच्चा होता है, इतना बड़ा, पूरे पेट में ऐसे कैसे आएगा बाहर? बहुत मुश्किल हो गया ना जी, है ना? आओ, अब ये हो गया यूट्रस। अब फैलोपियन ट्यूब के तीन लेयर होती हैं, कौन कौन सी? तो एक ये, फिर ये, फिर ये। सिरोसा, स्मूथ मसल्स और म्यूकोसा। तुम लोग को पता है डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता, बहुत बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एक बार बन गए ना तो कॉन्फिडेंस भयंकर बढ़ता है।
बस मन में होना चाहिए, 12 घंटे हैं तो भयंकर लेवल पे मन में हो कि यार हमसे होगा, तभी हो पाएगा। इसके लिए पूरा जितना ताकत है लगा दो, क्योंकि तुम लोगों के घर में ऐसा कोई नहीं है। यदि तुम लोगों की 1-2 लाख की सैलरी यदि ना हुई महीने की, तो तुम अपना परिवार चला पाओ। लड़कियों को तो अच्छा शादी हो जाएगी, पति खबाई देगा, तुमको पत्नी थोड़ी खबाएगी, कितने बचत लगेगा। अरे गोलू की मम्मी देना 10 रुपए, चाय पीना है तो गंदा लगेगा ना जी, सच बोल रहा हूँ। इससे अच्छा गोलू के मम्मी से ना मांगना पड़े तो गोलू के पापा की जॉब वाले हो जाए। ये एकदम मैं, तुमने देखा सबसे, मैंने एक दिन और बोला था सबसे ज्यादा ज्ञान मैं ही देता हूँ और एकदम एक्चुअल वाली बातें करता हूँ। आज की महंगाई के जमाने में पति और पत्नी यदि दोनों नहीं कमा रहे तो सर्वाइव करना मुश्किल है। अपन लोग गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़े हैं, क्योंकि घर में CBSE स्कूल की 1 लाख रुपए फीस देने की नहीं है। मम्मी पापा के पास यदि 1 लाख रुपए फीस देने को होता तो हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते। बहुत बार डायलॉग सुना होगा तुम लोगों ने, गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। तुम अंदाजा लगा लो। और सफलता मार्केट में रखी है, बस उठाना है, एक रेस है, दौड़ो उठा लो। जो तेज दौड़ेगा वो पहले उठा लेगा, और सफलता लिमिटेड है। आपके नीट में सफलताएं लिमिटेड हैं, सीटें लिमिटेड हैं, दौड़ 22 लाख बच्चा रहे हैं। जो बच्चा तेज दौड़ेगा वो उठा लेगा, और जो पीछे रह गया पीछे रह गया, पीछे 1 सेकंड 1 मिनट से रह सकते हो। तो तुम लोग ठान लो कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, 10-12 घंटे तो पढ़ना ही है भाई, क्या बिगड़ जाएगा यार। यदि तुम 2 दिन में 1 दिन 3 घंटे सो रहे हो तो क्या मर जाओगे, कभी नहीं मरोगे। ट्राई कर लो, मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ। कई बार शादी वादी में जाते हैं पर नहीं जग लेते रात भर, क्या मर जाते दूसरे दिन, नहीं सच में। अरे मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको दिमाग में बैठ रही कि नहीं, बहुत जरूरी बात है, इसको एकदम अंगूठा लगवा लो। कहाँ खोवा दिए, आओ। ये हमारा पूरा फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। पहला ये जिसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम, दूसरा ये वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे एम्पुला, और तीसरा ये वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे स्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। जो उंगली है उसको हम क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। जो जे है इसको क्या बोलेंगे, एम्पुला। और जो ये वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3। इसके आगे का अपन कल देख लेंगे, कोई दिक्कत।